हम लोग पीछे रहो। जैसा कि मुझे सूचना मिली थी यहाँ पर एक पाइप है और इसके अंदर 5 इंडियन रॉक पाइथन है और जेसीबी से उसकी खुदाई होगी तब जाकर के वो निकलेगा। तो दोस्तों वहां पर पहुंच करके हम देखते हैं कि कैसे क्या खोदना है, क्या उसमें जगह है, क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत ही सेफ्टी के साथ उन बेजवानों को बचा करके काफी दूर जंगल झाड़ियों में रिलीज करना है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारी टीम की है और उसके साथ साथ दोस्तों आपको भी दिखाना है, संदेश के रूप में वीडियो शूट करके जन जन तक पहुंचाना है। दोस्तों आप बने रहे वीडियो के साथ, हम जल्दी वहां पहुंच करके आपको आंखों देखा हाल दिखाते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमें रेस्क्यू करना है। यहां के लोग इतने अच्छे हैं, काफी दूर से जौनपुर सिटी से होते हुए दोस्तों हम लोग ये आ चुके हैं। अब देखना यह है कि किस जगह पे अजगर बैठा हुआ है। तो फोन कौन किया था भैया? आप ही किए थे? एक बार अपना नाम पता पूरा परिचय। सुरेंद्र उपाध्याय, ग्राम दुर्गापुर, पोस्ट दानापुर, जनपद अयोध्या और पीबीएस संस्कृत विद्यालय के प्रबंधक हैं। प्रबंधक संघ के जिला महासचिव यहाँ के उत्तर प्रदेश के। और कल कोई आया था निकालने के लिए? कल विभाग से टीम आई थी माया देवी से, वो लोग काफ़ी प्रयास किए लेकिन वो अंदर चले गए तो फिर कल वापस चले गए। लखनऊ फोन किए हम लोग वन विभाग कोल्ड्री नंबर पर, तो जौनपुर वो लोग बात किए, शायद आप लोगों ने बात किया, आप लोग हमेशा दिखते रहते हैं यूट्यूब। सौभाग्य हमारा। कौन देखा था सबसे पहले? आप देखा था? नहीं देखा। उसमें कैसे देख लिया? मैं आ रहा था, ये बैल चलाने आए थे हम लोग, हमने बोला चलो यहाँ चले, तो वो ऊँच पे एक बैठा था और तीन उसके बगल में बैठे, जो ऊँच वाला देखा तो इतना मोटा था और जो उसके नीच वाला देखा ढेर तीन थे तो इन भैया, ये भैया थे एक और थे, तो उन्हें बुलाया भैया देखो सांप। तो आप पकड़ने की कोशिश नहीं की? काट लेता। तो चलिए दोस्तों अब हम उसे निकालते हैं और जेसीबी मशीन आ रही है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, फिर अच्छे से खुदाई होगी, यहाँ से लेके चलते हैं काफ़ी दूर जंगल झाड़ियों में रिलीज करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये हमारे टीचर महोदय हैं, ये बगल में विद्यालय है, इन्हीं के सानिध्य में इन जीवों को बचाने का काम शुरू किया जाएगा और उसी के जस्ट बगल में रोड भी है। ये रोड कहाँ जाता है सर? ये इधर तो सर गोरखपुर जाएगा, अयोध्या से निकल करके और अकबरपुर रोड मिल करके आगे आर्यभट्टा आजमगढ़ अकबरपुर गोरखपुर। यहाँ तो उनके पास एक पाइप पहुँचे, सर के आगे चले गए, यही अंदाज लगा कि यहाँ होंगे, यहीं गड्ढा खोदा। पूरी पाइप है क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक है 30 फीट पाइप है। तो फिर पाइप इधर पाइप है पूरा? इधर कुछ नहीं, इलाके है बस, मतलब एक तरफ पाइप पाइप। तीस से ही फीट आकर के यहाँ समाप्त है लगभग, इसके बाद मिट्टी भरी है, मिट्टी यही राखी। अब इसमें पोल बनाए हो तो बनाए? नहीं वो पोल नहीं बनाते। तो चलिए देख लीजिए, बुलाइए हम लोग उधर से देख के समझ लेते हैं। एक बार देख लीजिए आप। आइए सर उस तरफ दिखाइए। ये है ना अंदर में वहीं आएगी बस। चलिए जैसे भी भाई 2 मिनट का काम है। लाइव भाई लाइव भाई 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 माटी धरिए कौन पता यहाँ रहो पीछे यहाँ धरिए को थोड़ा हवा दे दीजिए, ये हवा जाता है। भाई उसको भैया आप लोग पीछे रहिए थोड़ा।
गया भैया ये थोड़ा सा मिट्टी आप बगल करेंगे भैया थोड़ा थोड़ा आप पीछे दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये दूर रही थी चढ़ लिए थे भाई दोस्तों ये देख सकते हैं तीन इंडियन राज पाइथन हाँ तीन है इसको यहाँ पर अजगर निकला था क्या आप कहते हैं भैया अजगर कहते हैं दोस्तों इसको यहाँ पर इंडियन राज पाइथन के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में और गांव में हमारे इसको अजगर बोलते हैं कहीं कहीं पर इसको चिकांड बोलते हैं ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता लेकिन जंगल झाड़ियों में रहने वाला ये जीव है ये अपनी भोजन की तलाश में और दोस्तों ठंडक इनको ज्यादा लगती है तो इस नीचे यहाँ पर एक पुलिया थी उसी के नीचे ये बेचारे बैठे हुए थे तो इनको हम लोग काफी सेफ्टी के साथ बचा लिए हैं चलिए इनको बाहर लेके चलते हैं कहीं दूर जंगल झाड़ियों में रिलीज करेंगे ये होते बहुत ही खतरनाक हैं जहरीला नहीं होते हैं यहाँ के लोग दोस्तों बहुत अच्छे हैं इस बेजबान को बचाने के लिए हमको याद किए और ये हमारे टीचर्स महोदय हैं जिनके सानिध्य में इन बेजवानों को बचाया जा रहा है चलिए हम इसको पैक करते हैं ठीक है भाई अब हम फोन के एक बार में तो फिर कर रहे हैं कि चार हैं अब देखा जा रहा है चार तीन तो हैं दिख रहे हैं तीन दिख रहे हैं चल जल्दी वो चार है भाई तो अभी तीन दिखा है पर अबे खोज है का पकड़ा लगभग इनकी लंबाई कितनी होगी सर इनकी लंबाई कितनी होगी लंबाई बच्चे पहले तो भैया चार है चार है चार काका कहाँ रहन यही रहन कहाँ हो यम रहन दिल्ला का पूरा वाइड खट्टू अपने ऊपर आ जाएगा ले चला जाएगा
यही अपने बिल्लहर घाट तीन तीन फुट अजगर सब अजगर हुए भैया थोड़ा दूर रहिए, पैर में पकड़ लेगा, इसके दांत बहुत बड़े होते हैं। एक अभी नया पकड़ मिला है। हाँ अभी देखते हैं। दोस्तों हम इसे पाइथन कहाँ एक डरोगा भैया? सुमित हो? हाँ कहा तुम्हें ले जाएंगे। दोस्तों ये तीन तो पैक कर लिए गए हैं, अभी शायद एक और होगा, जैसा बताया गया था कि इसमें चार हैं। एक और एक बार भैया और खोद दीजिए। काफ़ी कड़ी मेहनत हुई, बड़ा ही जद्दोजहद के बाद खुदाई हुई, तो जिसमें लगभग 25 से 30 मिनट का टाइम भी गया, तो जिसमें से तीन इंडियन रॉक पाइथन को बचा लिया गया। यहाँ से लेकर सकते हैं तो काफ़ी दूर जंगल झाड़ियों में, यहाँ पे हालांकि रोड भी है, बगल में विद्यालय है, पीछे परिवार रहता है, एक दिक्कत थी इसलिए इसको यहाँ से निकालना पड़ा है ना सर। अब इसे काफ़ी दूर लेकर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय। दोस्तों दिन भर का जो रेस्क्यू हुआ है आ चुके हैं, और चलते हैं फटाफट के अंदाज में रिलीज करते हैं और आपको दिखाते हैं। चार इंडियन रॉक पाइथन, एक इंडियन रेड स्नेक और एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। मौसम बदल चुका है, खुद का ख्याल रखिए और घरों में साफ सफाई रखिए, जिससे दोस्तों स्वयं भी सेफ रहिए और अपने मेजबानों को भी सेफ रखिए। एक बार फिर से जन जागरूकता में आपका स्वागत है। इन मेजबानों को रिलीज करते हैं, आपको दिखाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है तो चलिए दोस्तों आपको आगे भी हम रिलीज करके दिखाते हैं। यह है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। ये दोस्तों बहुत ही जहरीला होता है, इसके काटने के बाद इंसान की मृत्यु 40 से 50 मिनट के अंदर हो जाती है। तो भारत में दोस्तों एक ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ है कि आपको इस वीडियो को थोड़ा दूर तक शेयर कीजिएगा, जब भी ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा किसी को बाइट करता है तो सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें
और इन विजवानों को बचाने में और लोगों को जागरूक करने में हमारी हेल्प करें। चलिए एक और सांप है दोस्तों, जिसको हम इंडियन रेड स्नैक के नाम से जानते हैं, यहीं पर रिलीज कर देते हैं। दोस्तों आप ये देखिए, ये भागता बहुत तेज़ी से है, हमारे भारत का एक ऐसा सांप है। अब हम इसको छोड़ देंगे, ये बहुत तेज़ी से भाग जाएगा। इसकी पूरी लंबाई 9 फीट के आसपास होती है। चलिए, ये उड़ता भी है, समझिए दोस्तों, इतनी स्पीड से भागता है, देखने में ऐसा लगता है कि उड़ता है। अभी तो ये थोड़ा छोटा है। चलिए अब दोस्तों इसे हम रिलीज़ कर देते हैं, ये जाएगा। और ये भी दोस्तों पेड़ों पर चढ़ करके पंछियों के अंडे बच्चे घोंसले को अपना निवाला बनाता है। अब इसे हम छोड़ देते हैं। अरे इधर नहीं प्लीज़, इधर, हाँ इधर। चलिए दोस्तों अब ये जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से बीजवानों को बचाते हुए, आप लोगों से रूबरू होते हुए, और आप लोगों तक एक छोटी छोटी जानकारियां जो भी अपने पास रहती है समर्पित करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा दूर तक आप भी शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों की जान बचती रहे और इन बीजवानों की भी जान बचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी को जय हिंद और बाय।